प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नए विषय के साथ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुपदों के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। आज हम शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे, रिमेंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। हमने लोअर क्लासेस में जब हम सिंपल भाग की प्रक्रिया करते थे तो अपने भाग की प्रक्रिया की जांच के लिए जांच करते थे हम कि क्या हमारे जो भाग की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही थी या नहीं थी। तो वहां पर हम क्या करते थे कि जो भाज्य संख्या होती थी वो भाजक और भागफल के गुणनफल और उसके शेषफल को जोड़ने पर दोबारा हमारे पास वही भाज्य संख्या प्राप्त होती थी। सिमिलर केस, अगर हम दो बहुपदों को भाग करें, जैसे हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिया है, ये जो 3x² + x-1 है इसको हम भाग कर रहे हैं x+1 से। ये जो 3x² + x-1 है, ये सपोज मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल px है, इसको हम भाग कर रहे हैं। इसकी घात देखिए डिग्री 2 है, इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 1 है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग होता है। जब हमने इसको भाग किया तो x+1 से 3x² + x-1 को भाग किया तो 3x से इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 3x² + 3x। प्लस माइनस कैंसल, 3x भी माइनस के हैं क्योंकि भाग प्रक्रिया में साइन चेंज हो जाते हैं, तो 3 माइनस के हैं, x प्लस का है, हमारे पास -2x, -1 का -1। अब देखिए यहां पर -2x थे, -2 से हमने दोबारा इसको गुणा की, -2x - 2, तो -2 + 2 कैंसल, -1 + 2 दैट इज 1। और ये जो एक है, देखिए एक जो है ये हमारे पास शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा। इस मेथड को हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग प्रक्रिया। अब जब हम दो बहुपदों को भाग करेंगे तो ये एक लंबी प्रक्रिया है इस, और अगर हम इसका शेषफल ज्ञात करना चाहें तो ये क्या लगेगा हमें, फिर समय लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। इस केस में हमने देखा कि यहां पर जो भाज्य था, जो भाज्य जो हमारे पास यहां पर px है, ये px है हमारे पास, ये किसके बराबर था, यहां पर डिवाइडेंड जो था वो डिवाइजर भाजक, भाजक हमारे पास कितना जिसे हम भाग कर रहे थे वो gx था, और उसको हमने गुणा किससे की, कोएफिशिएंट से, कि भागफल, ये हमारे पास कोएफिशिएंट से, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है, जमा रिमाइंडर के बराबर होगा। दैट इज px = gx * qx + rx। देखिए p इज द पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, gx इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल्स, एंड रिमाइंडर इज हियर, इट मे बी अ कॉन्स्टेंट टर्म्स और इट मे बी अ पॉलिनोमियल, ये कोई बहुपद भी हो सकता है विद वेरिएबल एक्स, अगर ये एक्स में। देखिए ये सारे की सारी प्रक्रिया थी वो लंबी थी। इस लंबी भाग प्रक्रिया से बचने के लिए हम शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर जो px है 3x² + x-1, इसको जब हम gx x+1 से भाग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो gx है हमारे पास जिससे हम भाग कर रहे हैं x+1, इसका हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, मूल निकालेंगे, जैसे हम शून्य का निकालते थे कि इसको हम किसके बराबर करते हैं, जो जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको हम जी एक्स जो है उसको हम
जीरो के बराबर कर देंगे, मतलब यहां पर इसका मूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और जब इसको हमने हल किया तो हमारे पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यही उदाहरण है हमारे पास। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन हम इस पॉलिनोमियल पी एक्स में रखेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो पी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस वन का स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू अगेन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन का माइनस वन। इसको हल किया, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन, प्लस इंटू माइनस, माइनस वन, देन माइनस वन, थ्री थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, देन थ्री माइनस टू इज इक्वल टू अगेन वन। देखिए जब हम लंबी भाग प्रक्रिया करते हैं, लंबी भाग लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारे पास शेषफल कितना आया, एक आया था, और जब हमने इसके जो जी एक्स था, जिस जी एक्स से हम भाग कर रहे थे, जो हमारे पास डिवाइजर था, जब हमने उस डिवाइजर का रूट निकाला, उसका मूल निकाला, तो उस मूल को हमने बहुपद के एक्स वेरिएबल में रख दिया, दोबारा हमारे पास वही रिमाइंडर आया, वही शेषफल आया जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में आया था। तो शेषफल प्रमेय का यूज हम लंबी भाग प्रक्रिया से बचने के लिए करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रमेय है उसको हम बोलेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इफ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, अगर हमारे पास कोई इस प्रकार का एक बहुपद है जिसकी डिग्री, जिसकी घात एक हो, एक या एक से ज्यादा हो, इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, और मान लो ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स ए। देखिए ए एम एक्स, क्योंकि जो पोली, मान लो हमारे पास पी एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसके वेरिएबल एक्स में है, और ए कोई रियल नंबर है, तो एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज जैसे एक्स इज इक्वल टू ए, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए। इससे हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स ए, देन द रिमाइंडर इज पी ए। मतलब ये एक्स इज इक्वल टू ए जो था वो पहले इस तरह से था, जब इसका हमने रूट निकाला, इसका मूल निकाला, तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स की जगह हम इस वैल्यूज को रखेंगे, ए को रखेंगे, तो जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो पी ए होगा। तो एक्स माइनस ए, देखिए अब एक्स की वैल्यू ए है, तो एक्स ए, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी, यहां पर भी ए होगी, यहां पर भी ए होगी, और कोसेंट एक्स की वैल्यू हमने ए रखी है, तो देखिए ए माइनस ए दैट इज जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग दैट इज जीरो, दैट इज इक्वल टू आर, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम थी। अब देखिए इसको, आइए हम एक प्रश्न हल करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास हेयर। मान लीजिए हमारे पास पी एक्स दिया है, हमारे पास हेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसको हमने इज डिवाइडेड बाय इज
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन बाय टू। देखिए हियर पी एक्स सॉल्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब देखिए इसको हमने x माइनस वन बाई टू से भाग करना है, तो देखिए x माइनस वन टू से लॉन्ग प्रक्रिया द्वारा लॉन्ग मेथड द्वारा भाग करेंगे तो टफ होगा, तो इसलिए हम इस x जो हमारे पास x माइनस वन बाई टू है इसका हम रूट निकालेंगे एंड या जीरो एंड द जीरो ऑफ x माइनस वन बाई टू इज वन बाई टू। देखिए कैसे आया x माइनस वन बाई टू का जब जीरो निकालेंगे तो x इज इक्वल टू वन बाई टू, तो ये जो हमारे पास वन बाई टू आया इसको हम क्या रखेंगे, इस x की जगह रखेंगे वो पी एक्स, एक्स की वैल्यू वन बाई टू होगी तो एक्स दैट इज वन बाई टू रेज टू पावर थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू वन बाई टू दैट इज हेयर वन बाई टू सारे का स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू एक्स दैट इज अगेन वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू का क्यूब। जब इसको तीन बार एक बटा दो को मल्टीप्लीकेशन है तो दो दू टू इंटू टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस थ्री अपॉन टू प्लस वन और दैट इज वन बाई एट प्लस थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस वन और आठ चार और दो। इन सब का हमारे पास एलसीएम जो आएगा हल किया इसको हमने तो आठ आया हमारे पास आया एक जमा चार दो आठ तो तीन दो छः जमा दो चौके आठ तो चार तीन बारह जमा आठ तो बारह और आठ बीस बीस और छः छब्बीस छब्बीस और एक सत्ताईस दैट इज ट्वेंटी सेवन बाई एट। तो इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न इसी तरह होंगे, हमने जिस जी एक्स से जिस पॉलिनोमियल से हम भाग कर रहे हैं उसका हम रूट निकालेंगे और उस रूट को दिए गए पॉलिनोमियल पी एक्स जिसको हम भाग कर रहे हैं जो हमारे पास भाज्य है उसको जो हमारे पास भाज्य है जो डिवाइडेंड है वहां पर उस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे और हमारे पास उसका शेषफल निकल जाएगा।